Listen friends, before you start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new updates. सब वेलकम बैक टू दी माय चैनल है माय न्यू वीडियो। सो गाइस ये बालों को थोड़ा इग्नोर करना, मैं अपने टेरेस पे हूँ इसलिए थोड़े बाल उड़ रहे हैं, ठीक है। सो आज इधर उधर की बात नहीं करता, मैं सीधी पॉइंट की बात पे आता हूँ। आज गाइस मैं अपने आप से बहुत बोलते हैं ना, बहुत अब डिसअपॉइंट भी हूँ, खुद को गुस्सा आ रहा है, खुद पर खुद को गालियाँ देने का मन कर रहा है। सीरियसली मैं मतलब मैं इतने होप से नीचे गया था, मैं सोचा कि मैं स्टॉक शूट करता हूँ, घर पे आके उसको कपड़े पहनाता हूँ, मतलब एडिट करता हूँ, बाद में अपलोड करके आपके साथ शेयर करता हूँ। बट पहले ये देखो गाइस, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी एक्टिवा जो है वो गई हुई है, ठीक है। सो उस टाइम तो मैंने मेस्ट्रो निकाली थी, बट आज मैंने एक्टिवा निकाली है, ठीक है। एक्टिवा ऐसे दिखती तो खड़ी एकदम सही है, बट अभी इसको देखना स्टार्ट करता हूँ तो आप देखना अभी एक जादू गाइस। ऐसा ये है तो अच्छी बात, ऑटोमेटिक चल रही है और मैं ऐसे ब्लॉक कर सकता हूँ, पीछे वाला ब्रेक मार सकता हूँ आराम से, आगे वाला तो ये है और ऐसे ब्लॉक कर सकता हूँ, आपसे बात भी कर सकता हूँ। बस गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही है जादू। सो गाइस जैसा देखा आपने, जैसे मैं पार्किंग अपनी एक्टिवा निकाली थी, कितने एकदम एक अलग एनर्जी के साथ मैंने स्टार्ट किया था अपना ब्लॉग, ठीक है। फिर जैसे मैं थोड़ा आगे गया, थोड़ा बहुत एक तो धूप थी, चलो धूप का कोई इशू नहीं है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ऐसे जब अभी बात कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं समझता हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बट बाकी जो देखते हैं तिरछी आंख से, चलो वो भी चलता है, बट जहाँ मैं प्रॉपरली कहीं बैठ के ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो ऐसे देखते हैं कि क्या कर रहा है, मतलब कोई को हंसी आ जाती है, कोई को कुछ होता है, कोई मैं बाद में जो अंदर से बोलते हैं धक 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 होने लग जाता है, घुस बम आ जाते हैं, मान में ऐसा होता है कि चल ना दिखी छोड़, चल दीक्षित चल छोड़। सो अभी जैसे देखो ये पार्क कोई भी नहीं है, एक भी इंसान नहीं, तो एकदम बोलते फ्रीली बोल पा रहा हूँ मैं आपसे, वो तो चलो ठीक है। और बाद में मैंने सोचा जैसे वहाँ पे मैं गैराज पे पहुँचा, गैराज पे अपनी एक्टिवा छोड़ी, वो भाई बोला आधे घंटा लगेगा, तो फिर मैं आगे गया, आगे जाने भाई देख ग्राउंड काटा, वो एक क्लिक देखो आगे पीछे ऐसे घूम के ग्राउंड मार गया है, उसमें थोड़ा बहुत शॉट लिए मैंने जो आपने देखा अभी। बाद में मैंने थोड़ा और आगे गया जो आपने टन टना टन और दो घंटे पान वाला है, वैसे पान हाउस है, उसके बाजू में जलाराम जो लोचा बड़ा पाव खमन ये सब मिलता है वो था। तो एक्चुअली सीन इसलिए मैंने डाला क्योंकि मेरा फ्रेंड है जो अभी यूरोप में रहता है, अभी शिफ्ट हुआ है वहाँ पर पढ़ाई के सिलसिले में, तो उसने मेरे को बोला था प्रीवियस ब्लॉग में दीक्षित वो क्यों नहीं दिखाया, वो तो दिखा था, थोड़ी यादाश्त ताज़ा हो जाती, तो उसके लिए मैंने ये शॉट डाला था, वो तो कुछ नहीं चलो। बाद में मैं सोचा ये शॉर्ट वर्ट भी हो गया, थोड़ा आगे जाके जहाँ हम पबजी खेलते थे, अपना पबजी अड्डा था वहाँ पे, चामुंडा बोलते उसको, वहाँ पर सोचा वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ और आपको भी थोड़ा बहुत दिखाता हूँ मैं टाइम लैप्स, मतलब एक वैसा ही शॉट दिखाऊँ। पर वहाँ पर गया तो वहाँ से मैं शुरू हुई, एक तो धूप पड़ रही है, लोग इतने सारे हैं, लड़की बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, आई कॉन्ट एबल टू स्पीक एनी थिंग इन माई फ्रंट ऑफ माई कैमरा एंड पब्लिक, मैं बहुत डीम ऐसा हो गया, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, कुछ शूट नहीं कर पा रहा, बोलते ना आई माई हैंड वॉज शेकिंग लाइक बहुत बुरी तरह से। फिर मैं छोड़ा चल दूसरी छोड़ छोड़ अपने चलते हैं यहाँ से, तो फिर वहाँ से भी निकल गया मैं। फिर मैं अपने फ्रेंड की शॉप पर बैठा, वहाँ पर बोन पी रहा था, वो देखो जहाँ सर्विस करानी थी वो भाई आधे घंटे बाद आएगा, तो तब तक मैं अपने फ्रेंड के शॉप पे आके कौन पी रहा हूँ, आधे घंटे का टाइम दिया, आधे घंटे बाद आ जाएगा।
तब तक यहाँ बैठ के चिल मार रहे हैं। और जैसे कि आपने सुना कैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी जैसे बोल रहा हूँ एकदम फटाफट बोल रहा हूँ, एकदम नॉर्मली बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा मूड अपसेट है इसलिए एकदम खुशी से नहीं बोल रहा हूँ, बट वो टाइम मैं कैसे बोल रहा हूँ, मतलब वो सब शूट करने के बाद मैं अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद कांच में अपना आपको देखा, ठीक है, मैं अपने आप को फेस नहीं कर पा रहा था मिरर में भी। फिर मैं सोचा छोड़, नहाने चला गया मैं, इसलिए अभी नहा धो के बैठा हूँ मैं। तो नहाने मैंने लिटरली 20 मिनट तक शावर के नीचे खड़ा रहा था, मतलब मैं अंदर अंदर आँख बंद करके ये सोचा था क्या गंदगी मचाई तूने, क्या कर रहा है, इतना अनकॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है, कितना खुद से डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, खुद से गुस्सा आ रहा है, खुद को गालियाँ देने का मन कर रहा है, अभी गालियाँ नहीं दे पाऊँगा थोड़ा अच्छा नहीं लगता इसे, मतलब आई वॉज लिटरली मतलब मैं रुकना रहा अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, आई डोंट नो मैं कैसे ब्लॉग करूँगा इन पब्लिक, ठीक है। सो एक्चुअली सीन ऐसा हो जाएंगे, मैंने बाकी यूट्यूबर देखे, मतलब ब्लॉगिंग के ऑलमोस्ट देखे मैंने 4-5, ठीक है, उनको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मैंने वैसे सीखा मैंने उनसे थोड़ा बहुत, बट जहाँ मैं रहता हूँ सूरत में वहाँ पे जैसे दिल्ली बम्बई जैसा तो सीन नहीं है कि गली गली में यूट्यूबर या टिकटॉकर या उनके चैनल होते, वैसे है नहीं सूरत में, बहुत लिमिटेड है या पता ही नहीं है भी नहीं। सो मैंने सोचा चलूँ करते, बट यहाँ पे ऐसे किसी ने देखा नहीं, ऐसा कोई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो जिस हिसाब से लोग देखते हैं, चलो लोग इसलिए देखते हैं कि क्या बोल रहा है कैमरा में अकेले से बात कर, तो वो उनका ओपिनियन अलग होता है, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा ओपिनियन अलग होता है, बट ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, वो देख रहा है, देख रहा है तो ऐसे अपने भूल जाते हैं क्या बोल रहा है मेरा आपसे, उस बात से मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हूँ। और एक अभी हवा आ रही है तो मैं आपको बोल नहीं पा रहा, मुझे नहीं पता आपको भी ऑडियो एकदम अच्छे से आ रही होगी नहीं आ रही, पता नहीं हवा आ रही है, रुक जाना है 5 मिनट रुक जाए बात करने। सो यही सीन था, देखते थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा मैं, अब सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत है ना, अभी जैसे लॉकडाउन का आया था 0.1234, ठीक है, अभी चालू है अनलॉक 1, 2, 3, पता नहीं, ठीक है, अभी तो 1 ही आया, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक डंडा लेके नॉर्मली बस निकल जाऊँ रोड पे और खाली ऐसे डंडा पकड़ के मेरे आप कैमरा ऐसे रख के बात करूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे कंटेंट सोचे थे कि अनलॉक या लॉकडाउन चालू नहीं हुआ तो उससे पहले सोच के रखा था, बट लॉकडाउन हो गया तो घर पे बैठ के मैंने अभी 40-50 वीडियो डाल दिए, तो मैं सोचा अनलॉक हो गया तो चलो थोड़ा बहुत देख के आते हैं बाहर। अब एक तो मेरा फ्रेंड नहीं, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है ना गाइस कि मैं कोई फ्रेंड है मेरा साथी होता है ना तो मैं एकदम बोलते हैं फ्रीली बात कर सकता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बात, बट मैं अभी अकेला हूँ तो अभी अकेला बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे को आगे जाकर बोलनी, बट अभी समझ जाओ अकेला तो बोल नहीं पाता मैं, अंदर ही अंदर अनकम्फर्टेबल लगता मेरे को। सो ये जो पॉइंट है ना, अनकम्फर्टेबल हो गया, डिसअपॉइंट हो गया खुद से ही, खुद पब्लिक में कैमरा फेस नहीं कर पा रहा हूँ, या खुद से ही ऐसी जो चीज़ होती है ब्लॉग में पॉइंट आ रही है, कोई थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये सोचा कि अभी ब्लॉग नहीं डालता मैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर ब्लॉग डालूँगा। तो अभी फ्लिपकार्ट से मंगाया मैंने ब्लॉगिंग के लिए कुछ, वो अभी अनबॉक्स करूँगा मैं, आने वाला ये जल्दी, तो वो भी अनबॉक्स करने बाद फिर थोड़ा निकलूँगा। तो आई होप जो मेरे एज के या मेरे एज के थोड़े से ऊपर सीनियर हो गए वो तो समझ जाएंगे मैं कुछ काम ही कर रहा हूँ, लाइक यूट्यूब टिकटॉक भी समझ ले चलेगा, बट समझ तो जाएंगे एटलीस्ट इस चीज़ के लिए कर रहे, ठीक है। सो ऐसे मेरा फ्रेंड है एक सचिन, मेरा जो अभी बोला वो मेरा खास फ्रेंड है, उसने अपने वीडियो कॉल पर बात होती रात को 1-2 बजे, तो मेरे को बोलता है ऐसे अपने वीडियो के बारे में बात होती यूट्यूब या अपने ऐसे ही, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कुछ हो तो बोलना, कोई हेल्प करना तो बोलना, बट वो यहाँ पर है नहीं, अगर वो यहाँ पर होता तो अभी मैं अच्छा खासा यूट्यूब ग्रोथ भी हो जाती और अपने मस्त आपको भी बहुत इंटरटेनमेंट होता, बट वो है नहीं, वो कहीं और अपनी पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर की, मैं यहाँ पे यूट्यूब कर रहा हूँ। सो आई एम लाइक सी मैं अकेला हूँ, मेरे को इतने फ्रेंड भी नहीं है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, और तो आगे ब्लॉग में दिख जाएंगे। मैं कल से चालू करने वाला हूँ, ये डंडा लेके बस निकल जाऊँगा, ठीक है, फिर माइक ट्राइपॉड सब आ जाएगा, थोड़ा बहुत सीन तो उससे ही लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, बट अब मैं ये क्यों डाल रहा हूँ ये वीडियो, क्यों ये सब बोल रहा हूँ वो आपको एक पॉइंट है वो बोलता हूँ। मेरा एक्चुअली पॉइंट ये है आपको ये बोलने का कि मैं मेमोरी बना रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दो पॉइंट, मेमोरी आगे जाके हमें ग्रोथ हो गई कि आगे जाके यूट्यूब में ऐसे फेस करने लग गया इन पब्लिक,
तो फिर ये वीडियो देख के मैं खुश हो सकता हूँ कि एक टाइम पे ऐसा था, और एक टाइम पे बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर टाइप, एक वो था, एक सेकंड जो शेयर कर रहा हूँ कि अगर बाय चांस मैं ऐसा फेस कर लिया तो आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग विच आई क्रॉस एंड देन यू कैन ऑल्सो डू दैट। आप ये वीडियो देखो और बाद में आप भी करो, ठीक है ना। तो मैं सोचा अभी ये डालता हूँ, ठीक है। बस बहुत बहुत डिसअपॉइंट हुआ आज गाइस, मैं बहुत अपसेट हूँ खुद से, मैं आई एम रियली। बस चलो गाइस, मिलता हूँ आपको अगले कोई ऐसे वीडियो में, ऐसे नहीं अच्छा सा वीडियो मैं पक्का डालूँगा। अब मैं पब्लिक हो कोई भी हो, बस आई विल डू दैट। अब मैं ऐसे अब भी बोल रहा हूँ क्यों, कोई लोग नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ मैं। शिट यार, आई विल डू, मैं करूँगा गाइस, आई विल नॉट गिव अप, मैं करूँगा गाइस। वेट एंड वॉच, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, भले कमेंट करो, कमेंट से अभी तक मेरे को समझ नहीं आता था, लोग जो वीडियो पर बोलते हैं कमेंट करो कमेंट करो, तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि कमेंट करते तो बहुत फील होता है, कि इंस्पिरेशन एक मोटिवेट होते हैं इंसान के, यस करो, मज़ा आए, लोग देखते हैं आपका वीडियो, इसलिए कमेंट करो, ठीक है। दैट्स इट गाइस, मिलता हूँ आपको अच्छे से वीडियो में कोई, और बने रहना मेरे साथ। टिल दैट बस कमेंट करो और सपोर्ट करो, दो चीज़ करो, बाकी आपकी इच्छा हो तो कर देना, नहीं तो बाय बाय।